हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 मैथमेटिक्स. इट इज स्केल ड्रिल मैथ्स होप इंटरनेशनल पब्लिकेशन, चैप्टर नंबर 2, होल नंबर्स, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्सेस. हमें यहाँ पे बॉक्स गिवन है, इस बॉक्स में हमें राइट आंसर फिल करना है. टोटल 6 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 88 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 0 मिले. तो यहाँ आप लिख दीजिए 0, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर ही हमें 0 आंसर मिल सकता है. 57 को अगर 57 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1. जब सेम नंबर को सेम नंबर से, सपोज़ यहाँ 8 होता, यहाँ भी 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 9 डिवाइडेड बाई 9 1, 11 डिवाइडेड बाई 11 1. किसी नंबर को 1 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलता है. 15 डिवाइडेड बाय 1 15, 18 डिवाइडेड बाय 1 18, इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय 1 12. किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर मिलता है. 73 इंटू 1 73, 8 इंटू 1 8, 9 इंटू 1 9. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ 5 4 3 है, अदर हैंड साइड पे 4 और 3 है, 5 मिसिंग है, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए. और क्वेश्चन नंबर एफ, 0 डिवाइडेड बाय 8, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि जब भी 0 किसी नंबर से डिवाइड होता है हमें 0 मिलता है. तो अगर 0 8 से डिवाइड हो रहा है तब भी हमें क्या मिलना चाहिए, 0. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 अपनी CW में कंप्लीट कर लीजिए. ये पूरा सॉल्यूशन आपको एज इट इज़ जैसा बुक में है वैसे के वैसा आपको ये CW में नोट करना है. आप चाहें तो आप आंसर लिखने के लिए ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन.